कृष्ण लाल पारचा है जी। मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ नेहरू युवा केंद्र गुरुग्राम में जी। सर आपने जो आज अमृत महोत्सव कल का जो प्रोग्राम कराया उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए क्या है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जिस तरह से बहुत सारे कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में चलाए जा रहे हैं उसी में से एक कार्यक्रम 13वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन नेहरू युवा केंद्र संगठन हरियाणा राज्य युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार और गृह मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में आज दिनांक 22 मार्च से 28 मार्च 2022 तक गुरुग्राम में आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम में झारखंड राज्य के 5 जिलों के जिनमें रांची गेढ़ी वेस्ट सिंहभूम चतरा और सरायकेला खरसावन जिलों के करीब 220 युवा प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं जिसमें 20 एस्कॉर्ट्स भी उनके साथ ही हैं जो CRPF और SSB से उन युवाओं को आइडेंटिफाई करके हमारे गुरुग्राम में लेकर के आए हैं। तो ये कहाँ किया जा रहा है सर ये कार्यक्रम? जो इसकी आवास व्यवस्था हमने की है इसकी, तो ये SERT एक संस्थान है यहाँ जो जिसको अध्यापक भवन के नाम से भी यहाँ गुरुग्राम में जानते हैं उसमें हमने इनकी आवास व्यवस्था की है और स्वतंत्रता सेनानी भवन जॉन हॉल में इससे रिलेटेड जो गतिविधियाँ हैं वो वहाँ पर हमने रखी हैं। इस कार्यक्रम में कुछ आउटडोर कुछ इनडोर एक्टिविटीज़ होनी है जिनमें इनडोर एक्टिविटीज़ हमारी जॉन हॉल में होनी है और इसके अलावा इस पूरा जो ये पूरा कार्यक्रम है इसके तहत 7 दिन की एक रूपरेखा कार्यक्रम की तय की गई है उसके अनुसार अलग अलग गतिविधियों में इन युवाओं को शामिल करके यहाँ की जो संस्कृति है युवाओं से उनका जो अपना विचार विमर्श और आदान प्रदान उनके विचारों का है उसके साथ उन जो आदिवासी युवा भाई बहन यहाँ पर आए हैं उनको आत्मसात कराया जाएगा। साथ ही इस कार्यक्रम के तहत जो हमने गतिविधियाँ इसमें संयोजित हैं उसके तहत औद्योगिक इकाई का भ्रमण भी है इसके साथ साथ स्कूल भ्रमण भी है और एक दिन हम CRPF कैंप में भी इन बच्चों को लेकर के जाएंगे। वहाँ की जो गतिविधियाँ हैं वहाँ जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे भी इनको रूबरू कराया जाएगा। एक दिन हमने दिल्ली दर्शन का भी कार्यक्रम इस कार्यक्रम के तहत उन बच्चों के लिए रखा है। कार्यक्रम का कल विधिवत उद्घाटन 3 बजे माननीय सांसद महोदया श्रीमती सुनीता दुग्गल जी द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। उस कार्यक्रम में बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे जिले के माननीय अतिरिक्त उपायुक्त महोदय श्री विश्राम कुमार मीणा जी होंगे और जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी को भी इसमें हमने आमंत्रित किया है। इसमें इनको कहाँ कहाँ घुमाने के लिए आप ले जाओगे? हमने जो दिल्ली दर्शन का इसके जो अपना प्लान बनाया उसके तहत हम इनको दिल्ली में इंडिया गेट कुतुब मीनार लोटस टेम्पल और वार म्यूज़ियम राजघाट पर ले जाने की हमारी योजना है और गुरुग्राम में जो स्थानीय भ्रमण है हमारा जैसे मैं अभी पहले भी बताया था स्कूल भ्रमण का है। स्कूल भ्रमण के तहत जो है इनको संस्कृति मॉडर्न स्कूल सेक्टर 43 में ले जाया जाएगा। इसके साथ ही साथ इनको CRPF कैंप का भी भ्रमण हम करा रहे हैं। औद्योगिक इकाई का जो भ्रमण है उसमें हम इनको हीरो कंपनी में हीरो होंडा चौक पर भी इनको ले जाएंगे। सर इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है, लोग क्या संदेश देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? सबसे पहले तो हम आदिवासी अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को देश के विभिन्न राज्यों में हो रही औद्योगिक और विकासात्मक गतिविधियों शिक्षा कौशल विकास कार्यक्रम के साथ रोजगार की ओर जो युवाओं का है उनका ध्यान जो है केंद्रित करना है इसका एक उद्देश्य है। इसके साथ साथ देश की संस्कृति भाषा राष्ट्र की विविधता तथा जीवन यापन शैली को समझने और भाषाई आदान प्रदान का अवसर प्रदान करना भी इसका एक उद्देश्य है। आदिवासी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को देश के दूसरे हिस्से के अन्य साथियों के साथ भावनात्मक जुड़ाव की ओर ले जाने का भी एक हमारा इसका उद्देश्य है। साथ ही साथ नक्सलवाद व आर्थिक पिछड़ेपन को देखते हुए भारत सरकार द्वारा संचालित आदिवासी युवाओं हेतु उपयोगी जानकारी युवाओं को प्रदान करने जैसे इस कार्यक्रम में हमने उद्देश्यों को संजोया है जिनके तहत जो है हमने कुछ थीमेटिक सेशन भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए हैं जो भी विषय उसमें रहेंगे तो उसके संदर्भ व्यक्ति आकर के इन सभी बच्चों का मार्गदर्शन करके उनको लाभान्वित। इस कार्यक्रम में आपके साथ और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं?
इस कार्यक्रम में मैंने जैसा भी बताया था, नेहरू युवा केंद्र संगठन युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। और जो जो इसमें दूसरा हमारा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पार्टनर है वो गृह मंत्रालय भारत सरकार है। इसके साथ साथ सहयोगी के रूप में जिला प्रशासन गुरुग्राम का भी इसमें एक महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो है। इसमें विभिन्न विभागों के सहयोग से हमने यहाँ बहुत सारी व्यवस्थाएं इन युवाओं के लिए यहाँ पर की हैं, और उसमें विभिन्न जो अपने अधिकारी हैं जिला प्रशासन के उनको भी इसमें आने। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उनको? हमारे यहाँ पर मैंने जो नेहरू युवा केंद्र की यदि हम बात करें तो यहाँ के लोगों को जोड़ने की जो बात है, हमारा एक हर एक गाँव में एक इकाई है जिसको हम यूथ क्लब का नाम देते हैं। यूथ क्लब के नाम से हमारे अधिकतर गाँव में युवा मंडल बने हुए हैं जिसमें 15 से 29 साल का युवा वर्ग लड़का या लड़की दोनों ही भी एक इकाई के रूप में युवा मंडल बना करके हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अगर कोई भी नया युवा साथी इस एज ग्रुप का हमारे नेहरू युवा केंद्र गुरुग्राम के साथ जुड़ना चाहता है तो वो जो पर्टिकुलर युवा क्लब हमारे गांव में पहले से बना हुआ है अगर तो वो उसका सदस्य बन जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारे से भी जुड़ सकता है। यदि उस गांव में युवा मंडल नहीं है, युवा क्लब नहीं है, तो वहाँ पर अपना एक 15 से 29 साल के युवाओं का एक ग्रुप बना करके भी विकासात्मक कार्यक्रम करने के लिए, सामाजिक गतिविधियों को करने के लिए नेहरू युवा केंद्र के साथ वो जुड़ सकते हैं। जैसा कि इसमें कोई हम जैसे जुड़ना चाहें उसको चार्ज वार्ज भी लगता है कैसे? नहीं, इसमें ऐसा कोई भी मतलब हमने अपनी तरफ से प्रावधान नहीं रखा है, ना ही ऐसा कोई प्रावधान इसके अंदर है। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो उनको जोड़ा जाता है, किसी तरह कोई भी चार्ज किसी से नहीं लिया जाता है। हमारे खुद के कार्यक्रम होते हैं, हम उनके साथ कई तरह के कार्यक्रम युवाओं की अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए निःशुल्क जो है समय समय पर निरंतर पूरे साल भर आयोजित करते रहते हैं। जैसे कि लोग आपसे जुड़ना चाहें तो कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे, आप कैसे मिलना चाहें? मैं आपको बताना चाहूँगा, नेहरू युवा केंद्र संगठन विश्व का सबसे बड़ा युवा मतलब संगठन है और हमारे देश में करीब 623 जिलों में नेहरू युवा केंद्र के ज़्यादातर जिलों में हमारे ऑफिसेज हैं। और उन सभी के साथ नेहरू युवा केंद्र का जो युवाओं का जो नेटवर्क है वो जुड़ा हुआ है। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी गुरुग्राम में भी हमारे जो यूथ क्लब्स हैं ज़्यादातर गांव में हमारे बने हुए और हमारे साथ जुड़ करके वो काम कर रहे हैं। कब स्टार्ट शुरू होगा प्रोग्राम ये और कब खत्म होगा ये कार्यक्रम? आज से ही शुरू हो गया। हमारे जो इस कार्यक्रम के प्रतिभागी हैं कई जिलों के हमारे आ गए हैं। एक जो गिरिडीह जिला है उसके बच्चे अभी हमारे स्टेशन पर, उनकी ट्रेन जो है करीब 5:30 बजे पहुँचेगी तो वो भी 7 बजे तक हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। और बाकी सारे के सारे बच्चे हमारे पास आ गए हैं। आज 22 तारीख से इसका शुरुआत हुई है और 28 तारीख को इसका जो है वेलिंगटन फंक्शन होकर के इसको समापन कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।